मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा चल रहा है जिसको ग्रेट मध्य प्रदेश पॉलिटिकल ड्रामा कहा जा रहा है। ऐसे में एक वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समालोचक श्री शिव अनुराग पटेरिया हमारे साथ हैं। पटेरिया जी, कुल मिला के अगर मोटी बात करें तो कमलनाथ सरकार डवाडोल हो रही है। कमलनाथ का दावा है कि उनकी सरकार चलेगी, उनके पास बहुमत है। लगता है कोई जिस जादुई आंकड़े की बात वो कर रहे हैं वो रह गया है उनके पास? देखिए, जादुई आंकड़ा तो सिर्फ दो तरीके से पाया जा सकता है, एक आसमानी यानी ईश्वर की तरफ से और दूसरा सुल्तानी यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से। इस देश का सुल्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो पीछे हट जाएँ या उनकी पार्टी पीछे हट जाए तो आपको बहुमत का आंकड़ा मिल जाएगा। ईश्वर कुछ ऐसी अब घटना कर दे कि कुछ संख्या बीजेपी की कम हो जाए तो जीत सकते हैं, अन्यथा मुझे लगता है अगर आसमानी सुल्तानी समर्थन नहीं है तो फिर आप मान के चलिएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार बहुत दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में है। आईसीयू से भी ज़्यादा अगर कोई अगर टेक्निकल टर्मोलॉजी हेल्थ में तो मैं कहूँगा क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार आईसीयू के अंदर है, क्रिटिकल स्थिति है। कितने दिन माने, कितने दिन चला पाएंगे कमलनाथ इस तरीके से? अगर अभी विधानसभा का सत्र है, सत्र बढ़ा देते हैं, कुछ और कर लेते हैं तो कितने दिन खींच पाएंगे सरकार को? अनुराग जी, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो मेरा अनुभव है और आकलन है वो कहता है कि आज से एक तो नंबर गेम बचा है, अब सारा नंबर गेम है पूरा। देखिए, नंबर गेम को आप डिले टैक्टिक्स से टाल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बहुत अच्छी तरह जानती है। कुछ साल पहले लोकसभा में कुछ लोकसभा सदस्यों के इस्तीफों को लेकर लगभग 2.5 महीने का समय सुमित्रा महाजन ने लिया था, तो 2.5 महीने का समय लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में कर्नाटक का फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को त्वरित और तत्काल फैसला लेना चाहिए, यानी जल्दी फैसले लेना चाहिए, जो उसका मजबूत था कि फैसले में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तब भी मुझे लगता है 10 दिन का समय तो कांग्रेस सरकार खींच लेगी। कारण यह है कि 16 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण है, 17 तारीख को निधन की सूचनाओं का उल्लेख है, 18 तारीख से राज्यपाल के अभिभाषण पर बातचीत होगी। लेकिन यह बात यही है कि राज्यपाल का अभिभाषण बाद में, वो पहले फ्लो टेस्ट हो जाए। देखिए, जो मान्यता है उसके मुताबिक तो राज्यपाल का अभिभाषण बजट सत्र में पहले होता है, लेकिन अगर कोई तकनीकी दिक्कत है, क्योंकि ये मान्य परंपराएं हैं, ऐसी टिपिकल कंडीशन आती नहीं, इसके पहले कभी आई नहीं है। देखिए, अगर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मंजूर करे तो और राज्यपाल एडवाइस करे तो तीनों स्थितियों में चीज़ें हो सकती हैं। सत्ता पक्ष मान ले अचानक, प्रतिपक्ष की राय को मान ले या राज्यपाल कहें, लेकिन मुझे लगता है इतनी आसानी से सत्ता छूटती नहीं है, इतनी आसानी से सत्ता कोई छोड़ता भी नहीं है। आप याद करिएगा आंध्र प्रदेश में जब NTR थे, तमिलनाडु में जिस तरह की सरकारों को बर्खास्त किया गया, मध्य प्रदेश में जब राम मंदिर आंदोलन के बाद 1992 में उत्तर प्रदेश राजस्थान की सरकार को बर्खास्त किया गया था तो एक सेकेंड भी नहीं लिया गया था। लेकिन ये मामला कुछ थोड़ा सा अलग है, बर्खास्त करना हो तो कोई आपको समय नहीं है, लेकिन जब आपको टगबार करना है, रस्सी खींच आपको करना है तो थोड़ा कदम आगे चलेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे। मुझे लगता है आपकी तो तमाम विधायकों से भी बातचीत होती रहती है, मंत्रियों से भी होती रहती है, जो बीजेपी के लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती है, तो कुल मिला के बात आती है नंबर्स की, आंकड़े की। इन्होंने भी अपने विधायक छुपा लिए, उन्होंने भी छुपा लिए जो उनके साथ हैं, सिंधिया समर्थक विधायक भी इस समय तीसरे जगह पर सुरक्षित हैं, और कुल मिला के स्थिति क्या है? कमलनाथ जी चला पाएंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं? देखिए, मुझे लगता है उनके सामने बहुत ही गंभीर खतरा है। किसी के बारे में मैं कह दूं कि वो नहीं रहेगा, उसके साथ अन्याय होगा, जाति होगी, लेकिन ये बात जरूर कह सकता हूं कि कमलनाथ की सरकार गंभीर खतरे में है। देखिए, कल का कोई ठिकाना नहीं है। कल फिर मैंने कहा आसमानी सुल्तानी कुछ हो जाए तो आप मुझसे कहेंगे आपने गलत बोल दिया। मैं कहता हूं बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है। दूसरा, 10 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर आप मान के चलिएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि थोड़ा लंबा खींच दिया जाए, क्योंकि कल जो कैबिनेट होने वाली है उसका परिप्रेक्ष्य देखिएगा। आज गोविंद सिंह कहते हैं, तरुण भानोत कहते हैं कि कोरोना की बहुत दिक्कतें हैं, डॉक्टर्स एडवाइज करेंगे, हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि विधानसभा का सत्र 26 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। ये इन सारी चीज़ों के बीच में एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में आखिर ऐसी स्थितियाँ बनी क्यों, इस सबके पीछे तमाम सारे कारण हैं। कहीं ये समझ में आता है कि कमलनाथ साहब का जो एटीट्यूड था वो विधायकों को उनके पसंद नहीं था, उनके मंत्री उनको उतना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे? देखिए, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक अलग किस्म की सरकार रही है। दरअसल वो शिवराज सिंह को फॉलो करते हुए, मतलब शिवराज सिंह के बाद के की उनकी सरकार है, तो उनकी कहा जाए शिवराज सिंह की सक्सेसर सरकार है।
लोग शिवराज सिंह की तरह आम आदमी से मिलना जुलना चाहते हैं, शिवराज सिंह के मंत्रियों की तरह से घुलना मिलना चाहते हैं। शिवराज सिंह की शख्सियत जो है वो मामा की है। एक बड़े टीवी शो में भी पूछा गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को मामा कहा जाता था, पाँव पाँव वाले भैया भी कहा जाता था। शिवराज से आप लाख असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत के अंदाज, डायलॉग डिलीवरी, लोगों का मामा बनना, भाई बनना, लोगों के दर्दों के दर्द में खड़े होने की कोशिश करना, मुझे लगता है शिवराज सिंह को दूसरे राजनेताओं से अलग करता है। तो कमलनाथ की मुसीबत कमलनाथ नहीं है, कमलनाथ की मुसीबत शिवराज सिंह की वो छवि है। हर आदमी शिवराज सिंह की तरह उनसे मिलना चाहता है। शिवराज सिंह जो कहते थे कि सपने में भी इनको शिवराज नजर आते हैं, बीजेपी के लोग नजर आते हैं, वो बात कहीं ना कहीं ठीक थी। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, शिवराज सिंह से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह ने जिस सक्सेस के साथ सरकार चलाई है, जिस तरीके से एक सॉफ्ट स्टेट चलाई है, उसमें कांग्रेस को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी सरकार नहीं है, वो सबके साथ मिलकर चलते थे। कई बार तो लोग कहते थे कि साहब इसमें दिग्विजय सिंह की भी चल रही है, कमलनाथ की भी चल रही है, हाँ सबकी चल रही है। इस बार भी आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, पूरी की पूरी जो मशक्कत शुरू हुई मध्य प्रदेश में, वो भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ रमाबाई दिल्ली चली गई थी, उसके बाद सारा का सारा किस्सा निकल के आया और दिग्विजय सिंह जी ने सीधा आरोप लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। देखिए वास्तव में हॉर्स ट्रेडिंग तो दोनों तरफ से हो रही थी। अगर कहा जाए 6-8 महीने पहले से इसकी पूर्व पीठिकाएँ लिखी जा चुकी थी। राजधानी भोपाल के जिले का एक पूर्व विधायक कुछ विधायकों के संपर्क में था और वो विधायक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का पूर्व विधायक करीबी माना जाता है। दरअसल हर आदमी अपने अपने हिस्से से अपने अपने तरीके से सरकार को प्रेशराइज करना चाहता था। ये कहता ना केक में हमें एक बिगर साइज चाहिए होती है, बिगर पोर्शन के लिए चाहिए था। कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह से लगे हुए थे कि कमलनाथ पर दबाव बनाया जाए, राज्यसभा में पहुँचा जाए और अपने हिस्से की मलाई खाई जाए। भारतीय जनता पार्टी भी अब एक इस कोशिश में थी कि किसी तरह से सरकार को विस्थापित करके कुर्सी में आए। और सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया की जो उद्दीप्त महत्वाकांक्षा थी वो लोकसभा चुनाव के पराजित होने के बाद में वो तिरोहित हो गई थी, तो वो फड़फड़ा रहे थे। तो मुझे लगता है एक कॉमन इफेक्ट है, एक साथ कई तूफान आए। इसमें कहा यह भी जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने भी जो उनकी मन की थी, उनको राज्यसभा दोबारा जाना था वो भी हो गया, सिंधिया को राज्यसभा जाना था वो भी आ गया, घाटे में रहे कमलनाथ। देखिए वास्तव में राजा महाराजा के लिए भिन्न भिन्न सिचुएशन है। महाराजा ने भाजपा की गोद में बैठ के राज्यसभा पहुंच गए और दिग्विजय सिंह कमलनाथ की गोद में दबाव बनाया, दोनों ने दबाव बनाया। अरसल ये इसी को राजनयन कहते हैं। कल हो सकता है समझ में आ कि दोनों ने कहीं मिलीजुली कुश्ती तो नहीं खेली है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। एक लाइट नोट के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन सही है कि आपका कहना कि राजा और महाराजा यानी माधवराव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिराज सिंधिया और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दोनों को इसमें लाभ मिला है, बाकी सबको ठेंगा मिला है। घाटा सीधा सीधा किसको है? देखिए घाटा तो किसी को नहीं हुआ। कमलनाथ की एक अतृप्त महत्वाकांक्षा थी कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आने की संभावना थी, बहुमत में थी, तब उन रेस में वो खड़े हो गए थे। तब रेस में तीन लोग थे, शिवहंत सिंह सोलंकी, कमलनाथ और अर्जुन सिंह। जब अर्जुन सिंह से ज़्यादा मत शिवहंस सिंह सोलंकी को मिले तो संजय गांधी की दखलंदाजी से, यानी मेनका गांधी की मां की दखलंदाजी से, संजय गांधी के जरिए कमलनाथ के जो मत हैं वो अर्जुन सिंह के साथ जोड़ दिए गए और देश मध्य प्रदेश का पहला जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनने वाला था वो नहीं बन पाया, वो चूक गया। तो उनकी महत्वाकांक्षा तब से 30 बरस बाद पूरी की उन्होंने। अब बीच बीच में कोशिश करते रहे, कई बार तो ऐसा लगा कि वो बाहर से समर्थन जुटा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बड़ी उद्दीप्त इच्छा थी। और मुझे लगता है वो इच्छा पूरी हो गई है और इस उम्र में पूरी हो गई, तो काय का घाटा काय का नफा नुकसान। अगर शादी हो गई 80 साल में भी हो गई तो बहुत ही बढ़िया, आप तो क्या करना। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुझे पटेल साहब मोटा मोटा समझ में आता है कि इस पूरे घटनाक्रम में देखें दिग्विजय सिंह फायदे में, ज्योतिराज सिंधिया फायदे में, नुकसान तो कांग्रेस का हुआ है। देखिए मुझे लगता है नुकसान कांग्रेस का भी हुआ है और नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इसलिए कि आप ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ आप आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर एक स्टिग्मा लगेगा कि आपने मध्य प्रदेश में दल बदल कर आके सरकार बनाई है। आप नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो एक नैतिक तौर पर डेंट उनको है और सरकार के तौर पर बड़ा मुश्किल। कहते ना कि 15 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और आपने चूम चूम के मार डाला, तो यहाँ पे जो एक संतान हुई थी वो लंबे समय तक दीर्घजीवी नहीं रह पाई। लेकिन कमलनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बची रहे, क्योंकि कमलनाथ के सारे दलों में संपर्क है। आप देखते रहिए राजनीति में कल क्या हो जाए, मैं कह नहीं सकता हूँ इसलिए बार बार बच रहा हूँ, लेकिन जरूर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ICU में है। ये थे शिवन राव पटेल साहब जो कह रहे थे कि 15 साल बाद बच्चा हुआ और उसको भी चूम चूम के मार डाला। ऐसी स्थितियाँ कुछ मध्य प्रदेश की हैं और जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वो पल पल बदल रहा है।
कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल कमलनाथ संकट में। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज, भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।